हमारे पास है यूसेस ऑफ वाटर। यूसेस ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास तीन मेन यूसेस हैं। कितने मेन यूसेस हैं? तीन। सर कौन कौन से? पहले है डोमेस्टिक, घर का यूज, फिर है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज का यूज, और फिर है हमारे पास एग्रीकल्चर यूज, मतलब खेती पहाड़ी के अंदर यूज। अब आपके पास है डोमेस्टिक, सर घर में कहाँ कहाँ पानी यूज होता है? सबसे पहले नहाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, तो बाथिंग के अंदर, सही है। पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो पीने के अंदर। पानी खाने में इस्तेमाल होता है, तो खाने में। सर खाने में कैसे इस्तेमाल होता है? फास्ट फूड खाते हैं, उसके अंदर ना कोई पानी डलता है ना कुछ। सब्जी तो धुलेगी पानी से, चिकन जो भी वो धुलेगी नहीं। सर हम रेडीमेड जो है वो क्या होता है, बाहर से जो चीजें होती है वो हम क्या करते हैं, रेडी टू ईट फौरन पका कर खा लेते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पानी इस्तेमाल होता है, इस पे अब बहस नहीं चलनी चाहिए। तीसरा क्या है? वॉशिंग। चौथा क्या है? वॉशिंग। कपड़े धुलते हैं, सही है, जगहें धुलती हैं, घर साफ होता है रोज, और चीजें धुलती हैं, जैसे गाड़ी धुल रही है आपके घर के अंदर, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके घर के जो बर्तन वर्तन है वो धुल रहे हैं, तो चीजें धुल रही। वॉटरिंग द गार्डन मतलब क्या है कि आपके पास जो प्लांट्स और उनको पानी देते हैं, तो उनको जब पानी देते हैं तो उसमें भी पानी यूज हो रहा होता है। अब इस पे ये अगर किसी ने ये कहा कि सर मेरे घर में गार्डन नहीं है तो मैं इसलिए गार्डनिंग नहीं कर सकता, तो बेटा ये आपकी बात नहीं हो रही है, पूरे ओवरऑल बात हो रही है कि डोमेस्टिक पानी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो पहला तो ये यूज। फिर आपके पास है एग्रीकल्चर यूजेस। एग्रीकल्चर यूजेस का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, खेती बाड़ी में कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है। सबसे पहले इरिगेशन। नाउ व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज बेसिकली द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। देखो अगर बारिश नहीं हो रही और मैं पानी आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहा हूँ, आर्टिफिशियली मतलब ये नहीं पानी खुद बना रहा हूँ, बारिश का पानी कहीं स्टोर हुआ था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, उसको हम इरिगेशन कहते हैं कि आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, कि मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। जैसे आपके घर में पानी है वो बारिश का ही कहीं से पानी है, लेकिन आपके घर में टैंकर पहुंचा के जा रहा है, आपके घर के अंदर नलके के अंदर पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इरिगेशन कहलाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहाने बैठे तो ऊपर आप इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अभी बारिश होगी फिर मैं नहाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप इरिगेशन करें, क्या करें, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। फिर क्या, लाइव स्टॉक का फूड। लाइव स्टॉक क्या होता है? जानवर। जो जानवर होते हैं ना उनका खाना जब बन रहा होता है, अब आप लोग जो है वो मोस्टली लड़कियां हैं तो आप लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से, जो लड़कियां होते हैं ना उनको पता होता है कि बकराए दौर के अंदर वो देख रहे होते हैं कि वो कुछ बन रहा होता है उनका, और पता नहीं उसके अंदर पानी वानी कुछ डाला जाता है और वो बनाया जाता है उनका लाइव स्टॉक का खाना। फिर लाइव स्टॉक नहाते हैं, सही है, जाहिर सी बात है जानवर को साफ सुथरा रखना होता है। उसमें बुफेलोस, बुफेलोस मशहूर है कि वो ठंडे टेम्परेचर में रहने के आदी होते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं और बॉडी अपनी कूल रखते हैं, तो बुफेलोस को पानी बहुत ज्यादा चाहिए। एंड देन इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस हो रही होती है, बहुत सारे फार्म्स के अंदर वो लोग फिश पॉन्ड बना देते हैं, मतलब एक फिश का एक जगह बना देते हैं जहां पर वो लोग फिश फार्मिंग कर रहे होते हैं, इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो यहाँ यहाँ पर पानी इस्तेमाल होता है। फिर है इंडस्ट्रियल यूजेस। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी है बेटा? मेडिसिन से रिलेटेड। अब जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, इधर कहाँ का यूज होता है? इंजेक्शंस। इंजेक्शंस लिक्विड होता है तो उसमें पानी डलता है। सीरप्स, आपके दवाई जो सीरप वाली होती है उसमें पानी होता है। ड्रिप्स, ड्रिप्स आपको पता है लिक्विड में होता है, पानी डलता है। फूड इंडस्ट्री में कहाँ पे? जूसेस, बेवरेजेस, जितने भी आपके पास ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सब है उसमें पानी कहीं ना कहीं डल रहा है। टैनिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये टैनिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है बेटे? टैनिंग इंडस्ट्री होती है लेदर से रिलेटेड। कौन सी? लेदर से रिलेटेड। अब लेदर के अंदर आप वॉशिंग, लेदर को साफ कर रहे हो तो पानी इस्तेमाल हो रहा है, उसकी डाइंग कर रहे हो, आपने डिफरेंट कलर के लेदर देखे होंगे, वो बेसिकली लेदर पे कुछ ना कुछ आर्टिफिशियली कलर डाला जाता है। और उसमें अगर आप दूसरा देख लो, एक होता है लेदर जो ऑफिशियल होता है, एक होता है रेक्सीन। रेक्सीन इज प्रॉपर लेदर नहीं होता, वो सिंथेटिक लेदर होता है, मतलब मैन मेड लेदर होता है, तो वो अच्छा नहीं होता। लेकिन ये क्या, वो डिफरेंट कलर्स ऑन में होता है, तो उसका मतलब ये है कि डाइंग के अंदर, डाइंग का मतलब होता है कलर लगाना, तो उसमें भी पानी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ों से रिलेटेड, तो वॉशिंग, कपड़े धुलने के अंदर। डाइंग, डाइंग का मतलब कपड़े के ऊपर कलर लगाने के लिए, और कपड़े से कलर उतारने को ब्लीचिंग कहते हैं, तो वो सब में पानी इस्तेमाल हो रहा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जब हम आयरन बनाते हैं तो आयरन बनाने के बाद उस आयरन को ठंडा करते हैं, आयरन को जब ठंडा करते हैं तो उसमें पानी इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर आप क्या बताएंगे कि टरबाइन को जो पानी रोटे घुमाता है वो स्टीम घुमाता है, और स्टीम खुद क्या होता है, पानी होता है, तो वहां पर भी यूज हो रहा है। और आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी एक इंडस्ट्री है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, पानी ही आपकी बिजली पैदा कर रहा है, तो वो मेन चीज है, मतलब यूज हो रही है ना पानी। तो आपने यूजेस ऑफ वाटर क्या पढ़े, सबसे पहले आपने डोमेस्टिक पढ़ा, घर के सारे यूज, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सारे यूज, इंडस्ट्रियल, सारी इंडस्ट्रीज आपने कुछ याद कर ली, चार पांच, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेज, टेक्सटाइल, टैनिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, थर्मल पावर स्टेशन, एच। तो ये आपके पास होगा यूजेस। अब हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है फट्टे। फट्टे का मतलब यह है कि लड़ाई। लड़ाई हमारे पास किस किस के बीच में चल रही है, एक चल रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में चली 1947 से लेके 1960 तक ये लड़ाई चली, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1960 के अंदर क्या हो गया, 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी आ गई। क्या आ गई, इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद आप क्या बताएंगे, एक और फट्टा किसका चल रहा है, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, क्योंकि इन तीनों का फड्डा ही चल रहा है कि हमें भी पानी चाहिए। वो कहता है हमें पानी चाहिए, तो सबको क्या चाहिए, पानी ही चाहिए, तो उसका भी एक फड्डा चल रहा है। उसके बाद आपके पास है पंजाब वर्सेस सिंध। पंजाब वर्सेस सिंध का एक फड्डा ये चल रहा है कि पंजाब ये कहता है कि काला बाग डैम पंजाब के अंदर बना दो। सिंध के लोग ये कहते हैं कि अगर काला बाग डैम उधर बन गया तो सारा पानी आप लोग अपने पास रोक लोगे और हमें पानी नहीं मिलेगा। तो इनकी भी एक लड़ाई चल रही है। लेकिन जब भी पेपर में सवाल आए ना, एक्सप्लेन व्हाई देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूजेस, या फिर क्यों फट्टे हैं, एग्जाम्पल्स दो, तो आप हमेशा ये वाला फट्टा इस्तेमाल करोगे, कौन सा, डोमेस्टिक वर्सेस एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियल। सर क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर आप यूजेस बता सकते हो कि डोमेस्टिक को इसलिए ज्यादा पानी चाहिए, एग्रीकल्चर को इसलिए ज्यादा पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल को इसलिए ज्यादा पानी चाहिए। अब मैं इसके पास पेपर्स दिखाता हूँ ताकि, और पास पेपर सॉल्व कराता हूँ ताकि आप लोगों की जिंदगियां थोड़ी सी आसान हो जाए। तो बेटा हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1.1, ये यूजेस से रिलेटेड है, यूजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, अब इसमें सर क्या सवाल आएगा, विच सेक्टर यूज लीस्ट वाटर। जब भी ग्राफ वाला सवाल है तो आपने ग्राफ में से देख के बताना होता है सबसे कम पानी कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये जो ग्रे वाला है ये इरीगेशन और लाइफ स्टॉक है, जो ये व्हाइट वाला है ये इंडस्ट्रियल है, और ये जो ब्लैक है ये डोमेस्टिक है। तो अगर हम देखें तो सबसे कम पानी इस्तेमाल कौन सा कर रहा है, तो हम बोलेंगे डोमेस्टिक। आपको दिख भी रहा है कि डोमेस्टिक काला सबसे कम है, सही है। हाउ मच वाटर वॉज यूज बाय द इरीगेशन या लाइफ स्टॉक सेक्टर, तो इरीगेशन और लाइफ स्टॉक सेक्टर ग्रे वाला है, ग्रे वाला जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो के बाद ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है। अच्छा, 80 के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये 90 होगा। सर 90 कैसे बेटा, जीरो और 20 के बीच में तो ये 10 हुआ, 20 और 30 40 के बीच में तो ये 30 हुआ, 40 और 60 के बीच में तो ये 50, 60 और 80 के बीच में तो 70, 80 के बाद 90, सही है। लेकिन ये 90 नहीं है, आप क्या बोलेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 93 है। सर सवाल 93 या 95 नहीं लिख सकते, 95 लिख सकते हैं, लेकिन ये 93 या 94 होगा, रेंज डी भी होती है, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे। सर एग्जैक्ट वैल्यू बताएं कैसे लिखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने ये देख लिया कि भाई लाइन कहाँ पर है, आपने ये देख लिया कि लाइन यहाँ पर है। अब आपने क्या करा, यहाँ से मेजरमेंट ली, ये इतनी मेजरमेंट, और दूसरी जो मेजरमेंट है वो आपने दूसरे कलर से ली, वो मेजरमेंट है यहाँ तक। अगर आप खुद नोट करें तो ये वाली मेजरमेंट कम है और ये वाली मेजरमेंट ज्यादा है, तो 95 तो नहीं हो सकता इसका। अगर 95 में लिखता तो उसका मतलब ये था ये भी 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि 90 से आगे की हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, ये होगा 93% या 94%, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखें, सही है। तो आपको ये ग्राफ वाले सवाल सॉल्व करने आने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 94%। नेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो कोई भी लिख दो, फार्मास्यूटिकल लिख दो, कोई भी इंडस्ट्री का नाम। फिर आपके पास है स्टडी फिगर 3 विच शोज द मेन यूजेस ऑफ वाटर इन पंजाब। अब आपको मेन यूजेस बोला, देखो ये बेसिन, वॉश बेसिन के अंदर यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये यकीनन डोमेस्टिक होगा। फिर ये आपके पास धुआं निकल रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल होगा। फिर ये भी आपको इंडस्ट्रियल लग रहा होगा, तो ये भी इंडस्ट्रियल हो गया, और ये आपको कौन सा लग रहा होगा, ये आपको एग्रीकल्चर लग रहा होगा। अब इन्होंने पूछा क्या है,
नेम टू कॉन्फ्लिक्टिंग यूजेस ऑफ वाटर सप्लाईज इन पंजाब शोन ऑन फिगर थ्री, जो फिगर थ्री में वो यूजर्स के नाम बताओ। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई ईच यूजर थिंक्स दैट दे शुड हैव मोर वाटर। 5 मार्क का सवाल है, एक है यूजर्स के नाम लिखने का और बाकी 2 मार्क है कि यूजर वन को क्यों चाहिए, यूजर वन को, और 2 मार्क है यूजर टू को क्यों चाहिए। आपने यूजर वन का नाम लिख दिया फार्मर। सर हम एग्रीकल्चर नहीं लिख सकते बेटा, यूजर का नाम फार्मर लिखोगे ना, यूजर कभी एग्रीकल्चरल तो नहीं हो सकता, फार्मर लिखोगे। और डोमेस्टिक की जगह आप होम ओनर लिख दोगे, हाउस ओनर लिख दोगे, तो जिस तरीके का लिख दोगे। सर हम इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल के बारे में क्या लिखेंगे, तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट लिख देंगे, तो वो आपके पास है। रीजन फॉर यूजर वन नीडिंग मोर वाटर, तो पानी क्यों उसको ज्यादा चाहिए इरिगेशन के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, लाइव स्टॉक की खाने के लिए, लाइव स्टॉक की बातें के लिए, इनलैंड फिशिंग के लिए। तो आप उसके यूजेस बता देंगे कि भाई इसको ज्यादा पानी क्यों चाहिए। नीडिंग मोर वाटर, होम ओनर को क्यों ज्यादा पानी चाहिए, आपने बता दिया उसको भाई नहाने के लिए पानी चाहिए, आपने कह दिया कि भाई उसको ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए, आपने कह दिया भाई उसको फूड बनाने के लिए पानी चाहिए, आपने कह दिया भाई उसको गार्डनिंग के लिए पानी चाहिए, आपने कह दिया भाई उसको वॉशिंग के लिए पानी चाहिए, तो आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि भाई यूजर वन को इसलिए ज्यादा पानी चाहिए। फिर है रीड द एक्सट्रैक्ट फिगर टू। ये पूरा फिगर आपको एक दिया हुआ है। पाकिस्तान इज अ वाटर डेफिसिट कंट्री। वाटर डेफिसिट मतलब पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, पानी की शॉर्टेज है। द रेनफॉल इज नाइदर सफिशियंट नॉर रेगुलर, मतलब ना ही इनफ है ना ही रेगुलर, एंड डज नॉट मीट द ग्रोइंग नीड फॉर वाटर। तो पानी की ग्रोइंग नीड्स ज्यादा है, लेकिन वो नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। एग्रीकल्चर इज अ मेजर यूजर एंड गुड यील्ड्स डिपेंड ऑन द एडिक्वेट ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की ड्राइव है। द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ऑलरेडी प्लेस्ड ग्रेट डिमांड्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड देयर आर एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोकल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूज। सबसे पहला सवाल है, व्हाई डू द वाटर राइटर्स रेफर टू पाकिस्तान एज अ वाटर डेफिसिट कंट्री। 2 मार्क का सवाल है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, राइटर रेफर टू पाकिस्तान एज अ वाटर डेफिसिट कंट्री बिकॉज रेनफॉल इज नाइदर सफिशियंट नॉर रेगुलर। तो आपने क्या लिखा, नाइदर इज रेनफॉल इज नाइदर सफिशियंट नॉर रेगुलर, तो सफिशियंट नहीं है। और दूसरी बात क्या लिखी, इट डज नॉट मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ ऑल यूजर, डज नॉट मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ ऑल यूजर्स। सही है, आपने 2 बातें लिख, आपने एक्सट्रैक्ट से लिखना। यूजिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूज। 7 मार्क का है। अब 7 मार्क का सवाल नहीं आता, मैक्सिमम 6 मार्क का सवाल आता है। पुराना सवाल है नवंबर 2006 का, मैंने आपको कहा था मैं आपको हर 5 पेपर पर सॉल्व कराऊंगा, तो ये पुराना सवाल है, तो 7 मार्क का सवाल। अब 7 मार्क का सवाल है, तो इसमें मतलब क्या हुआ, इसमें एक मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल आप किसकी दे दोगे कि भाई यूजिंग एग्जाम्पल वाई देयर कॉन्फ्लिक्स, आप बोलोगे दे आर कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, होम ओनर एंड फार्मर। सही है, आपने एग्जाम्पल दे दी। फिर आपने बताया कि भाई होम ओनर यूजेस ऑफ किसके लिख दिए, डोमेस्टिक के। फिर आपने यूजेस किसके लिख दिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के। फिर आपने यूजेस किसके लिख दिए, एग्रीकल्चर फार्मर के। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, मार्क्स डिवाइड होगा। सही है, ये आपने समझना है कि मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होगा। 1 मार्क था एग्जाम्पल का, 1 मार्क था एग्जाम्पल का, 2 मार्क थे इसके यूज के, 2 मार्क इसके यूज के, 2 मार्क इसके। सही है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप 5 पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। आप पेपर तरीकों को समझें कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सही है, तो ये आपके पास इस तरीके से डिवाइड है। तो मुझे